मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर, ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से पांच अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना है, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पंचांग आज का सुना नहीं जाना, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 14 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है, सुबह 11:44 के बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी, वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का आद्रा नक्षत्र है, लेट नाइट में 1:35 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों अतिगंड योग है, रात में 11:33 के बाद सुकर्मा योग शुरू। करण दोस्तों तैतिल करण है, सुबह 11:44 के बाद गरज करण शुरू होगा, और रात 11:52 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मेष राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:23 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:55 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प को छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प को बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रत्ने, प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय पराय, श्वेत वराह कल वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग महाराष्ट्र देशे व्यापार के चंद्रमा, शालिवान शब 1946, प्रभादि षष्ठी सवसरो में, क्रोधी नाम सोत्सरी, उत्तरायणे वसंत ऋतु, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे। इतवार वासरे आद्रा नक्षत्रे अतिगंड योगे, तैतिल करणे षष्ठी शुभ तिथु, वीर गोत्रों में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा, मोह पात दुरित क्षय द्वारा, श्री पार्वती पति परमेश्वर पिता विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प जो है यही पर खत्म। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो सुबह 11:44 तक, ये समय के बाद अगर आपको कोई विशेष धार्मिक सेवा के लिए एक संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि विशेष वो उसका उल्लेख अवश्य करें, वो संकल्प तब जाकर आपकी जो धार्मिक सेवा है
संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका दिन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 15, 16, 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 14, 15, 21, 26 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 15, 22 मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है, 15, तारीख 15, 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग, जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों मुहूर्त दिए गए, तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए, तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1 और 2। दोस्तों वास्तु शांति या भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। दोस्तों देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो कृपा करके आप ऊपर के, क्षमा करें, इसका कर्मकांड के लिए आपको पंडित का सहारा लेना होगा दोस्तों, और विधिवत करना है, घर पर करें, देवघर में या मंदिर में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करना है, वह देव काल में करना है विशेष। और आपको जो आपकी जो मूर्तियां रहेंगी वो शास्त्र मान्य होनी चाहिए। अब यह शास्त्र मान्य क्या है वो आपको डिटेल में मेरे और कोई वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 15, 21, 26 मई, तारीख 1। दोस्तों यह जो मुहूर्त है ऊपर दिए गए उसमें समय की पाबंदी हो सकती है, किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडल के अनुसार, ताकि आपको कोई समस्या निर्माण ना हो कर्मकांड करते हुए। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त का निर्माण ना करें, जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का लाभ उठा पाओगे, आनंद उठा। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्ध भी दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों सुबह 11:44 तक घबाड़ी, आप जो भी काम करेंगे, नौकरी हो या व्यवसाय हो, जो महत्वपूर्ण आपका जो काम है उसमें आपको यश प्राप्त होने की ज्यादा शक्यता है, और ज्यादा से ज्यादा आपको यश प्राप्त होगा, इसकी भी इसका भी योग बनता है दोस्तों। दोस्तों सप्तमी श्राद्ध काम है, अगर आपके पूर्वज कोई आपको छोड़कर परलोक निकल गए इस स्थिति पर, तो उनके नाम से आपको श्राद्ध का पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध काम करना है, घर पर कर या तीर्थ क्षेत्र में पंडित के माध्यम से करना है, लेकिन और अपराह्न काल में करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, तभी जाकर आपकी जो पितर सेवा है वो आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मानव की जयंती है दोस्तों, तो उन्हें हमें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश भारत देश के लिए उन्होंने एक भारत के सुपुत्र के नाते बहुत ही वो योगदान दिया है, उनके जीवन का योगदान दिया है, उन्होंने अपना कोई ख्याल ना रखते हुए करते हुए उन्होंने हम सभी जनताओं का ध्यान किया है, तो उनका अपना कर्तव्य बनता है दोस्तों हम उनका आदर करें। हर साल यह जो जयंती है हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक मनाएं दोस्तों, कोई भी भेदभाव हमारे दिल में मन में
और कोई भी सामाजिक स्तर पे हो या धार्मिक स्तर पे हो, नहीं रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अग्नि इसके बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के उपरांत मेरा अगर वीडियो बनता है तो मैं कल, क्षमा करें, आज डालने की कोशिश करूंगा, वो भी आप देख सकते हो, उसमें डिटेल उनके बारे में दिया गया है। अग्नि धरती पर दोस्तों सुबह 11:44 तक हाजिर। अगर आपको नया कोई यज्ञ कर्म कांड शुरू करना है, छोटा हो या बड़ा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर कहीं मन ना हो जाए, अगर शुरू रहेगा तो ही आपको उसका फल मिलेगा दोस्तों, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। राहुकाल दोस्तों शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे, इस काल में आपका महत्वपूर्ण को जो भी काम है अगर रगड़ता है, नहीं बनता, तो उसे राहु के प्रभाव से निकल के और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद ही रहे, प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महा।